स्टैंडर्ड 8 के अंदर आपको आज नया टॉपिक सिखा रहे हैं काउंटेबल नाउंस अनकाउंटेबल नाउंस स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश मीडियम के अंदर। लास्ट लेक्चर मैंने आपको एडजेक्टिव्स के टाइप्स सिखाए थे कि व्हिच आर द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव की क्वालिटीज, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, वो सारे सिखा जा रहा हूँ। उसकी एक्सरसाइज आज आपको मैं होमवर्क में देने वाला हूँ, तो वो एक्सरसाइज आपको करनी है और मैं वो एक्सरसाइज कल आपको सॉल्व करूँगा। जो एडजेक्टिव के टाइप्स है वो आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, दीज आर द एडजेक्टिव क्वालिटीज, एडजेक्टिव क्वांटिटीज, दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जाम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, और दीज आर द इंट्रोगेटिव क्वेश्चन एडजेक्टिव्स, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। मैंने 4 or 5 days के एडजेक्टिव आपको सिखाए थे, वो सारे आपको एक्सरसाइज में होमवर्क में देने वाला हूँ। आपको उसको आइडेंटिफाई करना है और होमवर्क में लिखना है कि विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव क्वालिटीज, एडजेक्टिव क्वांटिटीज, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, आज आपको एक नया टॉपिक के साथ में करा रहे हैं, काउंटेबल नाउंस एंड अनकाउंटेबल नाउंस। जनरल ये टॉपिक आपको आ चुका है इन स्टैंडर्ड 7th आल्सो, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस। काउंटेबल मींस इसकी मीनिंग्स क्या होती है, देखो डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखा है, काउंटेबल नाउंस आर थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, काउंटेबल नाउंस आर थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, काउंटेबल नाउंस क्या होते हैं, दैट थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, जो हम गिन सकते हैं, दैट कैन बी काउंटेड, दैट्स फॉर द काउंटेबल नाउंस। क्या कहते हैं उसको काउंटेबल नाउंस, दे हैव सिंगुलर्स एंड प्लूरल फॉर्म्स। काउंटेबल नाउंस सिंगुलर फॉर्म में भी होते हैं और प्लूरल फॉर्म में होते हैं, दैट मींस अ कप, यहां पे एग्जांपल है देखिए, अ कप, टू कप्स, अ कप इज अ सिंगुलर फॉर्म्स, टू कप्स इज अ प्लूरल फॉर्म्स, देन आफ्टर वन पेन, फाइव पेंस। तो काउंटेबल नाउंस सिंगुलर में भी होते हैं और प्लूरल में भी होते हैं। काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, काउंटेबल नाउंस आर द थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड थिंग्स, यहां पे डेफिनेशन है, काउंटेबल नाउंस आर द थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड, जो गिन सकते हो उसको क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउंस। एंड अनकाउंटेबल नाउंस आर द थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जो हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउंस आर द थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, इट इज रेफर्ड टू द अनकाउंटेबल नाउन, इट इज रेफर्ड टू द अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन याद रखिए, अनकाउंटेबल नाउंस ओनली फॉर द अप्लाई फॉर द सिंगुलर फॉर्म, नॉट इन अ प्लूरल फॉर्म, while the countable nouns apply only for singular and plural both, countable nouns apply for both, that's for the singular and plural, while uncountable nouns apply only for the singular form, just like milk, water, rice, music, iska plural form nahi kar sakte, singular form mein rehta hai sir, milk singular form mein, water, rice, music, these are all the singular forms, so countable nouns are means that uncountable nouns means that can be only used for the singular form, not used in a plural form, singular form mein use hote hai uncountable noun, jabki countable noun singular aur plural dono mein use hote hai। generally countable noun ke sath a wala article istemal kiya jata hai, dekho countable nouns can be used a wala articles, aur jabki uncountable noun ke sath a wala articles aur one article istemal kiya jata nahi hai। aage uske baad difference dekhte hai countable nouns aur uncountable nouns ke, dekhiye ek aapko zyada pata chale। We can use many, we can use many and a few, we can use many and a few, we can use many and a few with a countable nouns, with a countable nouns, with a countable nouns, we can use much, we can use much and a little, we can use many and a few with a countable nouns, we can use much and a little with uncountable nouns, with uncountable nouns, with uncountable nouns।
देखिए यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, वी कैन यूज मैनी एंड अ फ्यू. मैनी एंड फ्यू किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है? काउंटेबल नाउन साउंड के साथ. वी कैन यूज मैनी एंड अ फ्यू विद अ काउंटेबल नाउन. व्हाइल वी कैन यूज मच एंड अ लिटल विद अ अनकाउंटेबल नाउन. व्हाइल वी कैन यूज मच एंड अ लिटल विद अ अनकाउंटेबल नाउन. देखो मच एंड अ लिटल यूज विद अ अनकाउंटेबल नाउन, यूज विद अ अनकाउंटेबल नाउन. व्हाइल we can use many and a few with a countable noun, with a countable nouns. समझ आ रहा है? many and few किसके साथ इस्तेमाल किया जाता है? countable noun के साथ. और much and a little is used for the uncountable nouns. आगे एक और डिफरेंस देखते हैं countable nouns और uncountable nouns के. uncountable nouns mainly refers to uncountable nouns mainly refers to क्या refers करता है? mainly refers to substance. uncountable nouns mainly refers to substance. mainly refers to substance. that's for the substance means sugar is also substance. rice, sugar, rice, wheat, oil. Abstract things. Abstract things. Just like a cannot be touched. Cannot be touched. Abstract things just like cannot be touched. It is also used for the uncountable noun. Just like a beauty. Knowledge, progress, joy, etc. These are all used for the uncountable noun. ये सारा uncountable noun के साथ इस्तेमाल किया जाता है. These are all used for the uncountable nouns. देखिए. Some words are also used for countable and uncountable. देखिए कई सारे ऐसे words हैं जो countable और uncountable के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. Some words are also used for countable and uncountable.
looks just like a job. Certain work, journey. कौन काम का मतलब क्या हो जाता है? Travel. क्या हो जाता है? Travel. अब poem. तो उसका क्या हो जाता है? Poetry. A meal. उसका क्या हो जाता है? Food. A loaf. Bread. Climate. Weather. Climate क्या हो जाता है? Weather. These are all countable and uncountable नाम के बारे में मैंने आपको समझाया. फिर उसकी एक्सरसाइज हम करेंगे. ओके, नेक्स्ट लेक्चर से एक्सरसाइज करेंगे. ओके, थैंक यू.